नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज 12 जनवरी है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन युवा दिवस जिसे मनाया जाता है। आज जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में अमित शाह आ रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर के देश की सरकार किस तरह से कार्य कर रही है और इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश शासन की कार्यविधि किस तरीके से चल रही है, इन्हीं कुछ मुद्दों को लेकर के यहाँ पर उपस्थित कुछ हम वरिष्ठ नागरिकों से बातचीत करेंगे जो इस रैली में मौजूद हैं, जो इस रैली के लिए आए हुए हैं। तो आइए कुछ सवालात कुछ जवाब करते हैं। नमस्कार। हाँ, आप इस रैली में आए हुए हैं, अमित शाह जी आज आ रहे हैं। हाँ, तो हम जानना चाहते हैं कि देश की सरकार किस तरह से काम कर रही है, क्या आप सरकार के काम से संतुष्ट हैं? हम सरकार के काम से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। जो प्रधानमंत्री आवास दिया है, दीनदयाल से टर्मिनल बस स्टैंड से हटाई हुई परिवार 505 है, जो कि संख्या 3500 करीब है। जी। जो प्रधानमंत्री आवास दिया गया है उनकी अभी सारी किस्तें बाकी हुई है, मकान अधूरे पड़े हैं, जनता अधूरे में ठंड में मर रही है, पानी की व्यवस्था नहीं है, हम ये कहने आए हैं। और आप जबलपुर के किस हिस्से से आते हैं? हम आए हैं वार्ड नंबर 72 कठौंदा प्रभात नगर से। जी। आपका शुभ नाम? शंकरलाल बर्मन। जी। मढ़ोताल थाना के अंतर्गत है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सूची में नाम आपका लगभग कितने महीने पहले आया था? ये करीब करीब शुरू से आया था। जी। और अभी राशि हमको तीन, किसी को चार, किसी को दो राशि जारी हो गई है। जी। बाकी अधूरा मकान पड़ा हुआ है। जी। लगभग कितने मकानों के साथ इस तरीके की गतिविधि देखने को मिल रही है? 505 परिवार में। जी, पूरे 505 अधूरे पड़े हुए हैं। जी। और अभी पिछले दिनों राम मंदिर जो है, तो राम मंदिर पर फैसला आया, राम मंदिर के निर्माण की बात कही गई। हाँ। तो उस मुद्दे को लेकर के आप क्या सोचते हैं? वो बहुत अच्छा हुआ है। जी। जो राम मंदिर है हमारे देश का है। जी। और राम मंदिर बनना ही चाहिए था और अच्छे से बने, हम लोग सहयोग करेंगे। जी। हाँ। और इसके साथ ही साथ अभी जबलपुर में भी पिछले दिनों हिंसा हुई CAA को लेकर, मतलब नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के, क्या इस बारे में कुछ बता सकते हैं? आपकी क्या था ये जो नागरिकता संशोधन के लिए है, इसके बारे में तो हमको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन सरकार जो कर रही है वो हम संतुष्ट हैं। तो यहाँ पर आने के लिए आप किस तरीके से अपने, मतलब अपनी व्यवस्था से आए हैं कि आपको बुलाया गया है? हमारे शासन द्वारा से बस गई थी, पार्षद जी के द्वारा से बस गई थी वहाँ पर प्रभात नगर, इसलिए हम लोग सब लोग बस से आए हुए हैं। तो जो आपके पार्षद महोदय हैं, तो क्या उनके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के जो आपकी शिकायत है उसका निपटान नहीं किया गया? अभी तक निपटान नहीं किया गया। आपने शिकायत की थी? हमने शिकायत नगर निगम कौंसलर साहब को दिया था, कलेक्टर साहब को दिया था। हाँ। तो अभी तक कोई अभी भी तक हमारे को कोई नहीं नहीं। तो यहाँ पर अमित शाह जी आ रहे हैं, क्या कुछ लगता है, क्या कुछ हो पाएगा? हमारी तो वही चाहता है कि किस्त दवा दे, हमारी जो किस्तें बाकी हैं, अमित शाह जी से हमारी निवेदन है कि जो हमारी पांचवीं चौथी किस्त रुकी हुई है उसको गरीबों को किस्त दिला दे। इसी मुद्दा से हम लोग यहाँ पर अमित शाह के यहाँ पर आए हुए हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने रुपए मिलते हैं आप लोग को? 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपया मिलते हैं, जिसमें से 3 ही मिली है, कोई कहीं 2 मिली है। जी। बाकी पड़ी है तो हम लोग धूप भी सह रहे हैं, बरसात भी सह रहे हैं, ठंडी भी सह रहे हैं। जी। है, हम गरीब लोग बड़े लाचार हैं। जी। जब हमको किस्त पूरी मिल जाए तो हम लोगों के मकान बन के तैयार हो जाए। तो आज यही मांग रखने के लिए आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं? यही मांग करने के लिए आए हैं। हमारी आपसे इतनी निवेदन है कि जो आपने दिया है बहुत अच्छा किया है आपने, बाल बच्चों के लिए और अच्छी योजना बढ़ा रहा है सारे आप। हमारी एक प्रार्थना है आपसे कि जो हमारी बस्ती ऐसे हालत में है, उनको परबस्तियाँ उनकी सही ढंग से बना दीजिए आप, आज बनाना छोड़े, हमारी इतनी गुजारा से और कुछ नहीं। और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार है, पिछले एक साल हो चुके हैं, कर्ज माफ़ी को लेकर के कुछ ऐलान किए गए थे कि कर्ज माफ़ी की जाएगी, तो उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है, इस बारे में कुछ आप लोग बताएं तो बेहतर हो। सर, हमारी ज़मीनी नहीं है तो क्योंकि जानकारी भी नहीं है। अच्छा, बिजली का बिल आता है वही माफ़ कर दें, बहुत है। तो बिजली के बिल के लिए तो कहा गया है कि 100 रुपये मात्र बिजली का बिल आएगा, क्या नहीं आ रहा है? यहाँ 28,000, 32,000, 35,000 रुपया बिल आ रहे हैं हमारे कांग्रेस का, सरकार का ये पता नहीं कौन सा नियम है जो आज तक हमारी मुक्ति नहीं मिल रही, नोटिस पर नोटिस आ रहे हैं। मतलब सिर्फ ये कहने सुनने की बातें हैं, हकीकत में इसका कोई लेना देना नहीं है। आप सही कह रहे हैं। जी।
और हमारे बोल रहे हैं सही कह रहे हैं। और इसके अलावा देश में JNU एक कॉलेज है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में। पिछले दिनों वहाँ कुछ चीज़ों को लेकर के हिंसा हुई, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के हिंसा हुई, तो छात्रों के द्वारा इस तरीके के प्रदर्शन को किस हद तक आप लोग सही मानते हैं? भाई हम लोग जानते नहीं हैं, हम तो अपने मकान के दुख दर्द में पड़े हुए हैं और ठंडे में पड़े रहते हैं, बाहर का ध्यान ही नहीं आता, हम क्या करें बताइए। हम खुद ही आज की जो रैली हो रही है वो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के है, तो नागरिकता संशोधन कानून के बारे में आप क्या जानते हैं या क्या सोचते हैं? नागरिकता कानून को जो संशोधन चल रहा है वो बहुत अच्छा है, चलता रहे जी। और हम भी यही कहते हैं कि नागरिकों को कोई चीज़ की परेशानी ना आए, परेशानी के साथ साथ उनकी मांगें जो है वो उन पे सारा ध्यान सरकार दे, बस यही कहना चाहते हैं। नागरिकता संशोधन है क्या ये नहीं मालूम जी, आप बता। और NRC का मुद्दा एक गहन तौर पे जो देश में चल रहा है, तो उसके बारे में कुछ पता है आपको? नहीं, नहीं पता है। रैली में किस लिए आए? रैली में बुलाया गया कि अमित शाह जी आ रहे हैं। अच्छा, अमित शाह जी आ रहे हैं, तो किसके द्वारा बुलाए गए हैं आप? हम लोग पार्षद के द्वारा। आपके पार्षद कहाँ से हैं, आप कहाँ निवास करते हैं? प्रभात नगर कठुआ। अच्छा, प्रभात नगर कॉलोनी से आप ही हैं, तो बस के द्वारा व्यवस्था करके आपको लाया गया है जी। और अगर सपोज दैट कि अगर पार्षद महोदय बस की व्यवस्था नहीं करवाते तब भी तो क्या आप लोग आते? होती तो हम अपने साधन से खुद आते। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत। आज रैली में आप लोग आए हुए हैं, किस लिए आए हैं? मंत्री देख रहे हैं। कौन से मंत्री आ रहे हैं? कौन से मंत्री आ रहे हैं? कैसा, कौन से मंत्री आ रहे हैं? अमित शाह कौन है इस देश के? गृह मंत्री हैं। तो किस मुद्दे को लेकर के रैली की जा रही है? भाई मकान के चक्कर में आए, मकान का फार्म भरा है, अभी तक मकान नहीं मिला। अच्छा, तो आप लोग किसके द्वारा लाए गए हैं यहाँ पे? वो आने वाले हैं, हम नाम तो नहीं जानते कौन है। नहीं तो किसी के द्वारा लाए गए होंगे ना, कोई लेके आया होगा आपने? त्रिपुरी से आया है। तो कौन लेके आया? वो का नाम बताओ यार। गोलू साहब जी। तो किस तरह से लाए गए हैं? आपको पैसे वैसे भी देने की बात नहीं? ऐसे पैसे ऐसे की बात नहीं, हम लोग अपनी समस्या लेकर आए हैं कि हम लोग की समस्या भी सुनी जाए। जी, क्या समस्या है आपकी? हम लोग गरीब इंसान हैं, हम लोग की कोई सुनवाई नहीं होती। कलेक्टर आपे जाओ या किसी थाने में जाओ या किसी जगह पे भी जाओ, कोई सुनवाई नहीं होती किसी भी प्रकार की। सिर्फ टाल दिया जाता, होगा 90 दिन में काम होगा, 90 दिन भी निकल जाता, ना कोई तो पूछता है ना तो कोई आता। लेकिन यहाँ तो इतनी सारी भीड़ है, इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपकी बात नेताओं तक पहुंच पाएगी? ये तो सही कह रहा है आप, पहुंच पाएगी नहीं पहुंच पाएगी, भगवान से बढ़कर तो कोई होता नहीं है और अमर होके तो कोई आया नहीं है। अगर किस्मत होगी तो मिल जाएंगे और नहीं होगी तो वही समझेंगे कि जो गरीब है वो कचड़ा ही है, कीड़ा ही मकूड़ा है, बाकी बड़ा है जो अपने लिए है। और सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो क्या उन योजनाओं का लाभ आप लोगों को मिलता है लगातार? मिलता होता तो हम लोग क्यों आते, अभी मिलता ही नहीं है। और जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाती है, गरीबों को राशन व्यवस्था की जाती है, बिजली में सब्सिडी दी जाती है, तो ये सारी के सारी योजनाएं आप लोग को नहीं मिलती? नहीं मिलती, सब कहा जाता है जो बड़े आदमी को ही मिलती है, जो सर्विस कर रहे हैं उन्हीं के लड़के बच्चे भांजे भतीजे उन्हीं के लिए होता है ये सब, बाकी गरीबों के लिए कुछ नहीं होता, सिर्फ कहा जाता है कि गरीबों को दे दिया गया है। आप करते क्या हैं? मैं पेंटिंग का काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, पीठे से जाते हैं हम लोग, जितने आदमी हैं सब पीठे से जाते हैं काम पे। तो आज तो आप यहाँ पर रैली में आए हुए हैं, तो आपने एक दिन की मजदूरी अपनी गवा दी? गवाह इसलिए दी कि मान लो सुनवाई हो गई, मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि आउट एरिया में मिलते हैं, एप्लीकेशन जो लेके आए हैं एप्लीकेशन देते हैं वो लेते हैं, मगर उसमें भी क्या रहता है, वो उनसे मिले रहते हैं कि जे इधर की एप्लीकेशन आई है इसको कचड़े में डाल दो, ये होता है। अच्छा, और अगर मान लीजिए आपको लाया नहीं जाता यहाँ पर, तो क्या आप लोग आते? हम लोग वैसे भी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कोई लाए ना लाए, उससे क्या होता है, अपने पार्षद होता है जो अपने एरिया का, कि वो जानता है इस एरिया का आदमी, इसी को वोट देगा, किसी को नहीं देगा,
उसको चाहे पैसा मिले और चाहे ना मिले, उसका काम वो बनाता है कि नहीं ये आदमी सच्चा है, गरीब है, उस वजह से आते हैं, ऐसे लालच से नहीं आते हैं। वो तो जो प्रधानमंत्री दे रहा है, जो भी योजना कर रहा है, मगर गरीब आदमी तक नहीं पहुंच पाता, नहीं तो मिलता है। मतलब हकीकत कुछ और होती है। हकीकत कुछ और होती है, वो सही बात है कि गरीब इंसान तक नहीं पहुँच पाता। तो भैया तो कह रहे हैं कि गरीब इंसान तक योजनाएं नहीं पहुँच पाती, क्या आपको मिला है कुछ ऐसा? ऐसा कुछ नहीं मिला हमको अभी तक। तो इसी शिकायत को लेकर के आप लोग इस रैली में आए? इस रैली में आए हैं, आए हैं। सुनाने। और ये जो रैली आयोजित की गई है वो नागरिकता संशोधन कानून CAA को लेकर के की गई है, उस बारे में कुछ पता है आपको? उस बारे में तो खैर नहीं मालूम, हमारा जो साथी आएगा वो ही बात करेगा। हम लोग को जितना हम लोग आए हैं जिस प्रकार से, उस प्रकार से हम लोग जवाब दे रहे हैं आपको। जब आप लोग आए तो आप लोग को बताया नहीं गया कि यहाँ पर किस लिए आप ले जाए जा रहे हैं, किस लिए आप यहाँ पर जा रहे हैं? हम लोग अपनी मर्जी से आए हैं, किसी के उससे कहने से नहीं आए। ये है कि सिर्फ व्यवस्था उनने करी है आने जाने की, बस अपनी मर्जी से आए हैं कि चलो। ये कोई और उसके अलावा दोपहर में खाने पीने की बात, वो सब उन्हीं की तरफ से है। मजदूरी वगैरह भी कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बारे में और अपने बारे में कुछ बताएं पहले। आज ये रैली नहीं है जी, ये भारत माता के सम्मान में आज ये पूरी जनता जी आज मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी बस नहीं जी, क्योंकि ये देश का विषय है। माननीय आज अमित शाह जी आज जबलपुर नगर में पहुंच रहे हैं, उनका स्वागत वंदन करने के लिए बरेला मंडल माननीय विधायक जी इंदु तिवारी जी, माननीय सांसद जी राकेश सिंह जी के आह्वान पर पूरा बरेला का पूरा बरेला मंडल आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ है। तो ये सारे के सारे लोग वहीं से, ये सारी जनता जो आई है, माननीय हमारे पार्षद अजय गर्ग जी भी हैं, सभी पार्षदों ने, भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत से, हमारी माताएं बहनें जो इनको एक बार में ही इनसे कहा गया कि आपको इस कार्यक्रम में चलना है, इस कार्यक्रम के विषय में इनको एक बार बताया बस गया है कि देश का विषय है। तो आज आपके सामने जनसैलाब बरेला का, बरेला मंडल का, पूरा बरेला नगर की ये जनता है। ये रैली किस चीज़ के लिए की गई? ये CA का जो विषय चल रहा है, CA का जी, जो नागरिक संशोधन बिल, इस विषय में ये हम सभी जानते हैं जी कि ये बिल है क्या जी। जागरूकता की कमी थी, इसीलिए इस देश में जी जो विपक्ष की पार्टियां हैं जी, जिन्होंने अराजकता फैलाई हुए, हर जगह दंगा फैलाए हुए हैं, इसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी परिवार और यह जन समूह आज यहाँ एकत्रित हुआ है। माननीय अमित शाह जी को सुनने के लिए यहाँ आया हुआ है, उनके विचारों को सुनने आया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके भाव, उनकी कल्पना क्या है भारत देश के लिए, उनके विचार सुनने के लिए अमित शाह जी के लिए आए हुए हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर के देश भर में कुछ विरोध हैं, कुछ समर्थन है। हम आपसे जानना चाहते हैं स्पष्ट तौर पर कि आखिर ये है क्या और किस तरह से कार्य करता है। मैं आपको एक विषय बताना चाहता हूँ, जब बहुत अच्छा होता है जी तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जी जो अच्छा नहीं लगता उनको जी। विपक्ष कांग्रेस की पार्टी इस समय वही बर्ताव कर रही है कि आज आप भी देख रहे हैं कि ये नागरिकता विषय है क्या। वास्तव में जो हमारे सताए हुए भारत के बाहर विदेशों में, पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, जैन, बौद्ध भाई, ये सभी वहाँ पर प्रताड़ित हैं, जिन्हें माननीय नरेंद्र मोदी जी की पहल ने उन्हें नागरिकता देने का जो संकल्प लिया है उसका यह विरोध कर रहे हैं विपक्ष के दल। आप भी यह सब जानते, अच्छे से सभी ये जानते हैं, विषय यह है और कुछ नहीं। मतलब ये कानून पूरे तरीके से नागरिकता देने वाला है, ना कि छीनने वाला जी? नहीं, बिल्कुल। मंच से, बहुत बड़े मंच से मोदी जी ने, शाह जी ने यही कहा है कि एक देश में किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है, जबकि नागरिकता देने का विषय है। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।